नमस्कार, प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महाशी डेहरी और सूजागंज स्थित माँ दुर्गा स्थान में बांग्ला रीति रिवाज के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, साथ ही आज से ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आरंभ हो चुकी है। माँ दुर्गा प्रतिमा के स्थापित के बाद लोगों ने मंदिर से बैंधन कलश के साथ साथ डीजे बाजी और शंखनाद भी साथ लेकर निकले। वहीं परिसर से निकलकर नाथ नगर के चंपा नाला गंगा घाट पर पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे भक्तजनों ने पंडित के मंत्र उच्चारण के साथ बोधन कलश में गंगा जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंचे। दुर्गा मंदिर में कलश स्थापित के बाद भक्तों के साथ कोड़ी लुटाई गई। कोड़ी लूटने के लिए सैकड़ों भक्तों ने मारामारी कर रहे थे, तभी बुजुर्गों ने बताया कि कोड़ी जिसको मिल जाए वह काफी भाग्यशाली होते हैं। इस मौके पर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव और स्थानीय लोग मौजूद थे। हमारा सुजापुर का आज कोड़ी लुटाने का ये 150 साल पुराना इतिहास रहा है। ये बंगाली प्रथा से यहाँ दुर्गा माँ का स्थापना होता है और ये दशमी को ही कंधा पे इनका विसर्जन हो जाता है। बहुत धूमधाम से इस बार भी दुर्गा पूजा तमाम हमारे इस इलाके के घोसी टोला हो, सुजापुर हो, मिश्री चक हो, बाबू टोला हो, केवीलाल हो या तमाम इस एरिया का इस नाथनगर क्षेत्र 1 से 12 वार्ड और 14 पंचायत के लोग यहाँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस 21 में भी हमारा 19 और 20 कोरोना काल पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस बार धूमधाम से दुर्गा माँ का अच्छा से पूजा होगा। हमारे तमाम यहाँ के मेड़पति राजेश घोष जी और इनके तमाम सहयोगी लोग के सहयोग से भव्य आयोजन किया जाता है और ये जो 150 साल पुराना है कोड़ी लुटाने का, इस बार भी आज जितिया के जलिया खुलने के दिन आज लुटाई होगा, फिर 7 पूजा को भी कोड़ी लुटाई हो। आप अपना परिचय दें। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव एवं पार्षद प्रतिनिधि पप्पू यादव। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। अभी अभी भागलपुर के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत होने के बाद परिजन ने जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है बुधवार की रात्रि 10 बजे अचानक शरीर चमकने की वजह से भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर 12 बजे तक बच्चे की हालत ठीक ठाक थी। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। मौत के बाद परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी और शव परिजन को सौंप दिया। इधर बच्चे की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आनन फानन में इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंचे इसाकच थाना पुलिस, तिलका मांझी थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस ने मोर्चा को संभाला। मृत बच्चे की पहचान चंपानगर निवासी दाऊद अंसारी के बच्चे थे। के रूप में हुई है। हालांकि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये सारा भ्रष्टाचारी है, इन लोगों पर कार्रवाई एकदम निश्चित होना चाहिए और निश्चित सार्वजन जी को करना चाहिए। डॉक्टरों ने किस तरह से लापरवाही बरती? डॉक्टर जो है पूरी लापरवाही के कारण बड़े अपनी मोबाइल को देखते रहते हैं। वो सारे किसी स्टाफ को चला नहीं सकते, ये मोबाइल के स्तर पर करते हैं और जनता परेशान है और डॉक्टर आराम से मोबाइल देखते हैं। इस पे कार्रवाई करना जरूरी। कब तक बच्चा स्वास्थ्य से थे? स्वास्थ्य कल तो आज 12 दोपहर तक बच्चे स्वास्थ्य में है और उसकी लापरवाही से ये बच्चा मरा है। ये बच्चा जो है डॉक्टर के लापरवाही के कारण मरा है और लापरवाही पर इस प्रशासन को काम करना चाहिए। इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और मोबाइल देखते रहते हैं अपने घर में देखते हैं क्या, हॉस्पिटल में बैठ के अभी भी मोबाइल देख रहे हैं। हमारे सामने जब बात कर रहे हैं तो मोबाइल पर नजर है और हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका नाम क्या है, जरा बताइए, तो उन्होंने बताने से इनकार किया। हमारा नाम है फिरोज आलम, नगर परिषद पार्षद प्रतिनिधि का मैं हूँ। कार्रवाई होना चाहिए बोल रही। बच्चा अच्छा खासा था, हम लोग देख रहे थे। अभी सुबह 12:30 बजे हम वहाँ से गए तो बच्चा को देखा कि बच्चा सही सलामत था, तो बोला कि ठीक है 1-2 घंटे में वापस बच्चे को दे देंगे। तो हम लोग यहाँ से भी चले गए 12:30 बजे, कि 3 बजे भी यहाँ से आया तो मेरा दोस्त आया 3 बजे तो लेके गया, तो उधर से फिर बच्चा लेटरिंग भी किया, सब चीज खाया पिया, फिर वहाँ से लेके आया। उसके बाद फिर यहाँ क्या देखने भी नहीं दिया। फिर डॉक्टरों ने कहाँ पर लापरवाही अब बरती और किस तरह से बरती लापरवाही? बच्चे के पास सही से वो देखभाल नहीं कर रहा,
अगर बच्चे को कुछ डिस्टर्ब था तो वो बोलना चाहिए था, पर कुछ नहीं बोला गया। बच्चे को जब मांगने के बाद जो नर्स थी दे रहा था बच्चे की हालात बिगड़ने के बाद अब डॉक्टरों से वैसे सुविधा की मांग की जो वो सूचना आपको कब दिया? सूचना जब बच्चा डेड कर गया ना, दो घंटे मरने के दो घंटे के बाद। क्या नाम है? मोहम्मद फहीम अंसारी, चंपानगर। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।